हेलो स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैट का डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में रैट का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैट के अंदर। रैट के अंदर जो आपने ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, उसके काफ़ी कुछ सिमिलरिटी भी रहती हैं और डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो रैट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है रैट के अंदर, वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस जो होती है स्क्रोटल सैक के अंदर होती है। ये सैक जो होता है लार्ज साइज का होता है, मसल, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन से मिलकर बना होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, जिसके अंदर जो है टेस्टिस रहती हैं और वो जो एनस के वेंट्रल साइड में बाहर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। रैट में अगर नॉन ब्रीडिंग पीरियड की बात करें तो उनके उस समय टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रिट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, और जो स्क्रोटम होता है वो इनलार्ज नहीं होता। लेकिन जो स्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है, कि कंप्लीट जो डेवलपमेंट होती है, उसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में पॉसिबल नहीं होता। तो फाइनल स्टेज जो होती है स्पर्म फॉर्मेशन की, वो लो टेम्परेचर के ऊपर होती है और वो भी स्क्रोटम के अंदर। तो नॉन ब्रीडिंग पीरियड में जो टेस्टिस रहती हैं वो रिट्रैक्ट हो जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। और ये हाई टेम्परेचर जो है स्पर्म की जो फाइनल डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो सकती उस टेम्परेचर के ऊपर। तो ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पर जो है स्पर्म फॉर्मेशन जब होती है, तब वो स्क्रोटम जो है वो वापस जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो आ जाता है। यंग रैट जो होते हैं, जिनके अंदर जो टेस्टिस होती है 4th to 6th week की एज में जो है वो डिसेंड हो जाती है। अगर आप रैट की लाइफ को देखते हैं, थ्रू आउट लाइफ जो देखते हैं, तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मूव हो जाती है। और यही कारण है, यही एक कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होता है रैट के अंदर, कि उनके अंदर ओपन इंग्विनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये सैक आपको दिख रहा है, स्क्रोटल सैक है, जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो इनक्लोज रहती है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है अगर ब्रीडिंग पीरियड नहीं है, और ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड जो है ये वापस जो है एक्सटीरियर टू द बॉडी जो है वो आ जाती है। टेस्टिस का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है स्पर्म की देखने को मिलती है। जैसे स्मॉल साइज के स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, फिर लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ठीक है, जो कि पोस्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डीप स्टेनिंग अगर हम करें तो स्पर्मेटिड जो है वो सेमिनिफेरस जो ल्यूमेन होता है उसके पास होते हैं, और उनका जो फ्लैजेला होता है वो ल्यूमेन की तरफ पॉइंटेड होता है, डायरेक्टेड होता है। जो हेड है स्पर्मेटिड का वो जर्मिनल लेयर की तरफ जो है वो होता है। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ सर्टोली सेल देखने को मिलते हैं, जो कि जिनको सब टेंटिकुलर सेल भी बोल देते हैं। ये सेल जो है नर्शिंग का काम करते हैं, इनको नर्स सेल बोल देते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके बीच में जो है इंटरस्टिशियल सेल, जो लेडिक सेल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम जो है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टिस के चारों तरफ जो है एक सी शेप में, आप जो देखेंगे ना, ये इस तरह से, ये सी
सी की शेप में जो है एपिडाइडिमस प्रेजेंट होता है, ये लॉन्ग होता है और हाईली क्वाइल टिब्यूल होती है। इस एपिडाइडिमस के तीन रीजन होते हैं, कैपुट एपिडाइडिमस जो कि एंटीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस को जो है वो कवर करता है, कॉर्पस या जिसको बॉडी बोलते हैं एपिडाइडिमस जो कि लेटरल सरफेस ऑफ द टेस्टी के साइड में होता है, और लास्ट जो होता है कोडा एपिडाइडिमस जो कि पोस्टीरियर एंड पर होता है टेस्टिस के। ट्यूबुलर जो वास डिफरेंस होती है वो मूव करती है स्पर्म को, एपिडाइडिमस ये जो वास डिफरेंस है ये जो है स्पर्म को एपिडाइडिमस से वास फ्रेंशिया जो कि बहुत ही छोटी सी ट्यूब्यूल होती है दिखाई नहीं देती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये स्पर्म को एपिडाइडिमस टेस्टिस वास फ्रेंशिया एपिडाइडिमस और फिर वास डिफेंस के अंदर जो है वो ले जाती है। स्पर्म जो है वो मूव करते हैं सबसे पहले जो है कॉर्पस और कोडा एपिडाइडिमस से होते हुए वास डिफरेंस में आते हैं, और जो वास डिफेंस होती है वो थोड़ी लार्ज साइज की ट्यूब होती है जो कि एपिडाइडिमस को यूरेथ्रा के साथ जो है वो जोड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो लंपी ब्राउन ग्लैंड होती है थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है जो कि लेफ्ट और राइट साइड जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट साइड पर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और एक जो है ब्लैडर के नीचे ये वाला, इसके नीचे जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि पेनिस को जो है रैप करती है, पार्शली रैप कर लेती है। सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो बनाते हैं सेमिनल फ्लूइड जिसको सीमन बोलते हैं। इसी तरह वेसिकुलर ग्लैंड जो कि सेमिनल वेसिकल का ही नाम होता है, ये टिपिकली पेयर्ड होती हैं, सिंपल कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम से बनी हुई होती हैं और लोब्यूल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनकी जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो स्ट्रेटिफाइड जो कॉलमनार एपिथीलियम से लाइंड होती है। तो जो लोब्यूल्स होते हैं वो कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम से लाइनिंग होती हैं, और जो डक्ट होती है वो सिंपल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथीलियम से लाइंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं आइदर साइड ऑफ दी यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर रीजन में प्रेजेंट होती है, ये लार्ज लोब्ड वेसिकुलर ग्लैंड होती हैं, और ये जो लार्ज हमारी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जिसको वेसिकुलर ग्लैंड बोलते हैं, और जो कोएगुलेटिंग ग्लैंड जो होती हैं वो एंटीरियर प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जो कि सेमिनल वेसिकल के जस्ट आप देखेंगे ये नीचे जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो कोएगुलेटिंग ग्लैंड होती हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल है जो वेसिकुलर ग्लैंड है उसके जो कर्व होता है इनर कर्व के बिल्कुल पास जो है वो प्रेजेंट होती है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं जो कि लोबुलर ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये भी सेंट्रली ईच लोब के अंदर डक्ट होती है और एक एम्पुला होता है इनटू विच एल्वियोलाई जो है वो ड्रेन होती हैं, या तो डायरेक्टली या फिर शॉर्ट नैरो डक्ट्यूल के द्वारा जो है एम्पुला के अंदर वो ड्रेन होती हैं। जो प्रीपिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि यूनिक हैं रोडेंट के अंदर, रैट के अंदर देखने को मिलती हैं। ये पेयर प्रीपिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं ये क्लाइटोरियल ग्लैंड जो कि फीमेल रैट के अंदर देखने को मिलती है उसके एनालोगस होती है, उनका जो है बेसिक जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये लार्ज साइज की होती हैं, फ्लैटन्ड होती हैं, थोड़ी येलोइश कलर की होती हैं और सब क्यूटेनियस टिश्यू के में लोकेटेड होती हैं। पेनिस का बेस जो होता है उसके लेटरल साइड में,
फिर आती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और जो प्रीपिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं ये एसेसरी ग्लैंड कहलाती हैं। इनका सिक्रीशन जो है वो सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिलकर जो है वो सीमन बनाता है, जिसमें स्पर्म इजेकुलेशन के लिए जो है वो कैरी होते हैं, एक्टिवेट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म। और इसके अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वजाइना के अंदर। तो आप देखेंगे डिफरेंट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले आप देखिए ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जिसको वेसिकुलर ग्लैंड बोलते हैं, फिर इसके कर्व के अंदर जो इनर साइड के अंदर कोएगुलेटिंग ग्लैंड होती है जो कि एंटीरियर प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, फिर उसके नीचे जो है वेंट्रल प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि यूरेथ्रा के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं जो कि पेयर्ड ग्लैंड होती हैं, ये भी जो है लोबुलर ग्लैंड्स होती हैं, इनमें डक्ट होती हैं, एम्प्यूला होता है, ठीक है। और फिर जो है ये प्रीपिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिर्फ रैट के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रैट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो मेन ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होती है जो कि बेसिकली ग्लैंड होती है। ये ओवरी जो होती है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं और ये किडनी के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। अडल्ट जो कि नॉन प्रेग्नेंट रैट में अगर आप देखेंगे ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये मैच्योर हो जाती हैं और वेल डेवलप ओवा जो है वो ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको ओवेरियन बर्सा बोलते हैं उसके अंदर इनक्लोज होता है और ये पेरिटोनियल कैविटी बर्सा जो होता है एक स्मॉल पेरिटोनियल कैविटी होती है जो कि एनक्लोज होती है मीजोवेरियम के द्वारा और मीजोसेल्पिनिक्स के द्वारा जो कि ओवरी को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। ओवरी प्लस ओविडक्टल जो इनफेंडिबुलम होता है इन सब को ये एनक्लोज करता है। ओवेरियन बर्सा जो होता है एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि ओसाइट की ट्रांसपोर्ट को जो है वो फैसिलिटेट करता है इनटू द ओविडक्ट में। जो यूट्राइन होर्न्स होते हैं अब यहाँ पर देखेंगे जो यूट्रस होता है उसमें ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखने हैं ये यूट्राइन ट्यूब है और ये यूट्राइन होर्न्स है जो दो हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये यूट्राइन होर्न्स होते हैं, ठीक है। तो यूट्राइन होर्न के टिप के ऊपर जो है ये ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है और ये ओविडक्ट के द्वारा यानी कि ओवरी और जो यूट्राइन होर्न है उनके बीच में यूट्राइन ट्यूब जो है वो या ओविडक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये आप देख पाएंगे ये बर्सा ओवेरियन बर्सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीजोवेरियम और मीजोस्पेल्पिन्स के द्वारा जो है इनक्लोज्ड होता है जिसके अंदर ओवरी इनक्लोज रहती है और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये खुलती है। ओवरी का अगर सेक्शन देखेंगे तो आपको स्ट्रोमा दिखाई देगा, ये आप देखेंगे ये सेंटर में स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है। ये जस्ट जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है उसके नीचे एक डेंस आपको फाइब्रस ये दिख रहा है, फाइब्रस टिश्यू दिखाई देते हैं जो कि नैरो और वेरिएबली डिस्टिंक्ट जोन क्रिएट कर देते हैं जिसको बोल देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवेरियन जो स्ट्रोमा होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के एकदम नीचे होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। ओवेरियन का अगर सेक्शन आप देखेंगे एडल्ट रैट का तो जो रैटी ओवरी है उसमें बहुत सारे हमें ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का जो है इंटरकनेक्शन जो है वो नेटवर्क दिखाई देता है। सेक्शुअली अगर मैच्योर रैट को देखेंगे तो उसके कॉर्टेक्स के अंदर
जो ओवरी का कॉर्टेक्स है उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर, और ये जो है डेवलप हो जाते हैं इनटू ओवा के अंदर। ओवरी के सेक्शन के अंदर आप देखेंगे जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है जो कि पेरिफ्री में होती है, और मीडियल से जब पेरिफ्री की तरफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम की तरफ जाते हैं तो हमें प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ग्रेफियन फॉलिकल जो है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आप देखें हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, ह्यूमन की ओवरी का देखेंगे, रैट की ओवरी का देखेंगे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है वो नहीं दिखाई देता है। ओविडक्ट जो होती हैं वो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होती है जो ओवरी से यूट्रस की तरफ जाती है, जो कॉर्नुआ होता है यूट्रस का वो ज्वाइन कर जाता है। यहाँ पर देखिए ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर ये ओवरी है, ये हॉर्न है, ये हो आपस में जुड़ गए और ये जो स्ट्रक्चर बना जो कि बनाता है कॉमन स्ट्रक्चर जो बन जाता है दैट इज वजाइना। तो ओविडक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है इनके बीच में, ओवरी और यूट्राइन हॉर्न के बीच में जो है ओविडक्ट प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पर ये जो यूट्रस है ये जो बॉडी होती है यूट्रस की वो फिर वजाइना बना लेती है। ये देखिए ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, और ये जो है रैट के अंदर, रैट के अंदर आप देखिए सबसे पहले ओवरी है, फिर ओविडक्ट है, फिर यूट्राइन हॉर्न है, ये ब्लैडर है, इसके नीचे ये सर्वेक्स और ये वजाइना रीजन जो है वो देखने को मिलता है। एक शॉर्ट सी ग्रेट ट्यूब होती है जो कि जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के जो डोर्सल साइड में होती है जिसको वजाइना बोलते हैं। वजाइना जो है डिवाइड हो जाता है टू यूट्राइन हॉर्न्स के अंदर जो कि किडनी की तरफ जो है वो एक्सटेंडेड होता है। ये इस तरह की जो यूट्रस होता है जिसको डुप्लेक्स यूट्रस बोलते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है कि ये मल्टीपल एम्ब्रियो को अकोमोडेट कर सकता है, और ये जो मल्टीपल एम्ब्रियो का लोट होता है जिसको लिडर बोलते हैं, एक सिंपल यूट्रस अगर ह्यूमन की यूट्रस के साथ इसको कंपेयर करें तो उसमें सिंपल चैम्बर होता है जहाँ पर सिंगल एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है। तो रैट के अंदर डुप्लेक्स यूट्रस है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो जो है वो अकोमोडेटेड रहते हैं। वजाइना जो है बाहर की तरफ मूव जो है एक्सटर्नली लीड करता है थ्रू एक्सटर्नली सेपरेटली फ्रॉम द यूरेथ्रा से। वजाइना ओपन होता है एक्सटीरियर में बाय एक्सटर्नल वजाइनल ओरिफिस के द्वारा जो कि जस्ट जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके पोस्टीरियर साइड में जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्लाइटोरियल ग्लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर आपको वजाइना दिखाई दे रहा है, वजाइना के ऊपर सर्विक्स है, यहाँ पर देखिए ये फ्यूज्ड है, यहाँ पर फ्यूज्ड यूट्रस जो है वो दिखाई देता है। फिर है जो क्लाइटोरिस होता है जो कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल पेनिस के होमोलोगस होता है, ये यूरेथ्रा के साथ जो है एसोसिएटेड होता है और इसीलिए ये जो है कनेक्शन का काम नहीं करता वजाइना के साथ, ठीक है। और जब फॉलिकल्स राइप हो जाती हैं तो क्या होता है ओवम जो है रैप्चर हो जाता है, ये ब्रस्ट कर जाता है, मैच्योर होकर ब्रस्ट कर जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, उसको ओविडक्ट जो है पिकअप कर देता है। ओविडक्ट जो है इंटरनली उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया की जो बीटिंग होती है करंट जनरेट होता है जो ओवम को यूट्रस की तरफ जो है वो पुश करता है। रैट जो है वो प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं, ऐसे एनिमल जो जिन एक लार्ज नंबर ऑफ यंग वन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, 3 to 4 weeks का होता है, और ये 1 साल के अंदर जो है 6 liters जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और हमें पता है 1 single liter के अंदर 5 to 8 यंग वन्स जो हैं वो होते हैं। तो ये आप देख पाएंगे ओवरी, ओविडक्ट, ओवरी दिखाई दे रही है, ओविडक्ट है, यूट्राइन हॉर्न है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसकी अपनी एक
जो है ओपनिंग है, फिर वजाइना है, वजाइना की अपनी एक ओपनिंग है, ठीक है। तो सेपरेट ओपनिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब जो बेसिक डिफरेंस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम रैट और ह्यूमन का कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले जो है जो रैट के अंदर टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर होती हैं, और उनके अंदर ओपन इंग्विनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के अंदर जो है पेयर टेस्टी ही तो होती है रैट की तरह, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी होती है, स्क्रोटम के अंदर होती हैं, और इनके अंदर क्लोज्ड इंग्विनल कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। एपिडाइडस में वही, चाहे वो ह्यूमन का है रैट है, उसके वही थ्री पार्ट हैं, हेड है जिसको कॉर्पोट बोलते हैं, कोडा और कॉर्पस, या हेड कोडा और टेल, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन के अंदर होता है सेम। वास्ट डिफरेंस जो है वो पेयर्ड होती है, जो कि स्पर्मेटोजोआ को टेल से यूरेथ्रा तक ले जाती है, ये भी ह्यूमन के अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है। सेमिनल वेसिकल जो है वो उसके साथ जो है कोएगुलेटिंग ग्लैंड, जो कि हमें पता है एंटीरियर लोब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो अटैच होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर सेमिनल वेसिकल जो है सिंपल वास डिफरेंस का डाइवर्टिकुला जो होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं उसमें थ्री लोब में डिवाइडेड होती हैं, कोएगुलेटिंग ग्लैंड जो है एंटीरियर साइड में होता है, फिर डोर्सोलेटरल और फिर वेंट्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ह्यूमन के अंदर लोबुलर ऑर्गन होता है, और ये सेंट्रल, पेरिफेरल और ट्रांजिशन जोन के अंदर जो है वो डिवाइडेड होता है। जो एम्पुलरी ग्लैंड होती हैं, जो कि ग्लैंडुलर है, जो कि वास डिफरेंस की आउट पाउचिंग होती है, लेकिन जो ह्यूमन के अंदर एम्पुलरी ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होती है। इसी तरह बल्बो यूरेथ्रली ग्लैंड देखेंगे तो रेड के अंदर पेयर्ड होती हैं, और ये पेनिस के बेस के पास प्रेजेंट होती है, और ये जो है इस्टियो कैवरेन नोसम नोसस और बल्बो कैवरेन नोसस मसल्स के अंदर इम्बेडेड रहता है। ह्यूमन के अंदर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं वो भी पेयर्ड होती हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास होती है। जो प्री प्यूटियल ग्लैंड होती हैं, जो कि मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, ये जो सब क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो है लोकेटेड होती है, और पेनिस का जो बेस होता है उसके लेटरल साइड में होती हैं। ह्यूमन के अंदर प्रीप्यूटियल ग्लैंड जो है वो एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा जो रैट के अंदर यूरेथ्रा है, प्रोस्टेटिक होता है, मेम्ब्रेनस होता है, पेनाइल होता है, सेम ह्यूमन के अंदर भी यूरेथ्रा जो है प्रोस्टेटिक, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इनक्लोज होता है, मेम्ब्रेनस होता है और पेनाइल होता है। पेनिस में पेयर्ड प्रीप्यूस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रीप्यूस, ओस पेनिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के अंदर प्रीप्यूस जो होता है वो ग्लोबुलस होता है, और ओस पेनिस जो है वो एब्सेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमन और रैट के अंदर, तो ह्यूमन की जो ओवरी होती है ओवल होती है, जो कि पेरिटोनियल कैविटी में खुलती है, लेकिन रैट की ओवरी स्फेरिकल होती है और वो बर्सा के अंदर एनक्लोज्ड होती है। यहाँ पर जो ये मसल की लाइनिंग रहती है ह्यूमन, और क्वाइल नहीं होती, ठीक है, ओविडक्ट, लेकिन रैट के अंदर ओविडक्ट जो है थिन ट्यूब होती है और क्वाइल होती है। ह्यूमन के अंदर मस्कुलरली लाइंड होती हैं, ठीक है, और क्वाइलिंग नहीं होती है। ह्यूमन के अंदर अगर एम्पुला है, जो ओविडक्ट के पार्ट्स हैं, एम्पुला, एम्पेंडिबुलम और इंट्रामुरल सेगमेंट जो देखने को मिलते हैं, सेम रेड के अंदर भी यही सेगमेंट जो है वो ओविडक्ट के होते हैं। जो एम्पुला होता है वो फिब्रिएटेड होता है, ठीक है, और जो डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी में खुलता है ओवरी के एकदम पास, लेकिन रैट के अंदर ये जो है वो ओवरी जो है वो ओवेरियन बर्सा के अंदर खुलती है। ह्यूमन के अंदर जो यूट्रस होता है वो सिंपल होता है, पियर शेप होता है, लेकिन रैट के अंदर जो यूट्रस होता है वो डुप्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें दो सेपरेट पार्ट होते हैं, पहला होता है यूट्राइन होल, ठीक है, जो कि पार्शली फ्यूज्ड होता है कोडली, आप एंड पे देखेंगे तो रैट और ह्यूमन का
जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, तो इनका साइज भी देखिए, अपर ट्रैक जो है ह्यूमन के अंदर 8 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का होता है रैट में, ह्यूमन के अंदर लोअर ट्रैक जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर फीमेल के अंदर जो है वो रेड के अंदर लोअर ट्रैक सिंपल 1 सेंटीमीटर। तो साइज आप देखेंगे कंपेरेटिवली छोटी साइज की होती हैं, ओवरी है, ओविडक्ट है, और फिर जो है यूट्राइन हॉर्न है, जो कि यूट्राइन हॉर्न जो है एब्सेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। उसके बाद जो सर्विक्स रीजन है वो हाईली डेवलप होता है ह्यूमन के अंदर, इनके अंदर जो है वो फ्यूज्ड होता है, सिंगल जो आपको सर्विक्स दिखाई देता है एंडो सर्विक्स और रेक्टो सर्विक्स जो है। इसके अलावा जो वजाइना होता है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वजाइना जो है वो भी बाई फ्यूजन ऑफ टू यूट्रस के फ्यूजन से जो है एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको वजाइना बोलते हैं, और वो वल्वा के अंदर जो है वो खुलता है। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंस। तो थैंक यू।